Good morning, students. How are you all? The date today is 15th of April 2020 and the day is Wednesday and I am Shivani. Takes your social studies is going to start with the part 2 of chapter 7, a short history of India. We already did our part 1 of this chapter. Just quickly we'll recap what we did in part 1. We discussed what was Indus Valley civilization, alright, what all happened there. We were underneath, we unearthing of Harappa was city was done, alright, and as we founded Harappa city, that's why the Indus Valley civilization also came to known as Harappan civilization. Then this was the great bath of Mohenjo-daro, जहाँ पे सारे रिचुअल्स होती थी रिलेटेड टू वाटर. वी हैड ग्रैनी इन हड़प्पा जहाँ पे सारे फूड क्रॉप्स या कोई भी फूड रिलेटेड चीज़ें स्टोर कर सकते थे, पोर्ट करके रख सकते थे. देन वी हैड सो मच ऑफ पॉटरी एंड सील फाउंडेड बाय आर्कोलॉजिस्ट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड वी केम टू न्यू दैट आर्यंस वर कमिंग फ्रॉम माउंटेन ऑफ हिंदू कुश टूवर्ड्स इंडिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको आयरन यूज़ करने के लिए मिला एंड दे वर द फर्स्ट वन टू यूज़ द आयरन इन इंडिया. वो अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स भी लेके आए एंड वो आयरन उनको बहुत हेल्प उस आयरन से उनकी बहुत हेल्प हुई. दे क्लियर्ड अप जंगल्स एंड कल्टिवेटेड मोर लैंड फॉर देयर एग्रीकल्चर पर्पसेस. ठीक है, ये भी देखा था हमने कि वो अपने गॉड को प्लीज करने के लिए एनिमल्स की सैक्रिफाइस कर देते थे सेरेमनीज परफॉर्म करके. एंड देन वी सॉ दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट एंटर्ड द रूलर of Greece and he was considered as the greatest ruler of the world. He was the greatest conqueror of the world. ठीक है, and फिर King Porus जो पंजाब के थे उन्होंने Alexander को challenge किया था एक battle के लिए जिसमें Alexander ही जीते थे. फिर हमने देखा था Mauryan empire आया था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य was the main leader and ruler of that point of time and he captured Magad and became the emperor of Magad. फिर हमने देखा था अशोका के बारे में. अशोका के टाइम पे जो एम्पायर था वो बहुत अच्छे से चलने लगा. उन्होंने बहुत बैटल्स लड़ी एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो गिव अप कर देंगे एंड उन्होंने सब छोड़ दिया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हिम वॉज कि वो पीस एंड लव के मैसेजेस अपने रॉक्स एंड पिलर्स जो थे एम्पायर के वहाँ पर लिखवाते थे. ऑल राइट, देन वी सॉ दैट वी गुप्ता डायनेस्टी एंटर्ड आफ्टर दी मौर्य डायनेस्टी जिसके श्री गुप्ता एकदम इम्पॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था और पाटलिपुत्र यानी कि प्रेजेंट डे पे जो पटना है उसको अपना कैपिटल बनाया. अब हम पढ़ते हैं मेडिवल पीरियड के बारे में. तो मेडिवल पीरियड में अगर हम देखें बात करेंगे मोहम्मद गजनी और एक मोहम्मद गौरी की. इन्होंने इंडियन के किंगडम पे बहुत बार अटैक किया जस्ट हमारी वेल्थ लेने के लिए. जितने हमारे पास कोई खजाना है कोई डिपॉजिट्स हैं उन पे अपना कब्जा जमाने के लिए. अ पीरियड ऑफ इन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स दे मे अटैक्ड 17 टाइम्स ऑन इंडिया. 17 बार उन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर जस्ट फॉर द डिपॉजिट्स ऑफ रिचेस. ठीक है, जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं वेल्थ है हमारी इंडिया की वो लेने के लिए उन्होंने अटैक किया. ठीक है, जो मोहम्मद गौरी हैं उन्होंने अपॉइंट किया टर्किश स्लेव लीडर को जिसका नाम था कुतुब उद्दीन ऐबक. ठीक है, एज ई गवर्नर ऑफ नॉर्थ इंडिया. टर्किश स्लेव को एक अपॉइंट किया गया मोहम्मद गौरी के थ्रू जिसका नाम था कुतुब उद्दीन ऐबक जो नॉर्थ इंडिया के पूरे गवर्नर बना दिए गए. ऑल राइट, एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 2006 CE. ऑल राइट, जब डेथ हो गई थी मोहम्मद गौरी की तो मोहम्मद गौरी ने जिनको स्लेव लीडर बनाया जिस स्लेव लीडर को बनाया था गवर्नर वही गवर्नर कुतुब उद्दीन ऐबक अब नॉर्थ इंडिया के एक रूलर बन गए थे. ऑल राइट, उन्होंने पूरा उसको अपने अंडर ले लिया था एंड देन ही इस्टेब्लिश अ न्यू एम्पायर नोन एज दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत उन्होंने तब इस्टेब्लिश किया था. अब बात करते हैं मुगल एम्पायर की. अब दिल्ली सल्तनत बिल्कुल ही वैनिश हो चुका था तो इसी का
इसका फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम वी शुड कैप्चर एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड मैं अपना राज हर जगह कर सकता हूँ। तो उन्होंने वही एडवांटेज किया एंड ही केम टू इंडिया एंड डिफीटेड दीज स्मॉल किंगडम्स एंड बहुत सारी जो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थी जिसमें से एक दिल्ली सल्तनत था उसको भी उन्होंने डिफीट कर दिया एंड अपना मुगल एम्पायर उन्होंने इंडिया में लाया। ठीक है, उसके बाद बाबर के बाद उन हुमायूं थे जो उनके सन, उन्होंने सक्सीड किया, यानी कि बाबर के बाद उनके सन आए रूलर एज अ रूलर, उन्होंने फिर संभाला आगे एंड हुमायूं के बाद आए अकबर जो कि हुमायूं के बेटे थे। ठीक है, वो अब फिर राज गद्दी पे आए सारा कुछ संभालने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। ठीक है, अकबर जो थे वो सबसे ग्रेटेस्ट मुगल रूलर थे उस टाइम के, जिन्होंने बहुत सारी बैटल लड़ी थी बहुत सारे किंगडम्स के साथ। ठीक है, उसके बाद अकबर के बाद आए थे जहांगीर उनको सक्सीड करने के लिए एंड जहांगीर के बाद आए उनके सन शाहजहां। शाहजहां वी ऑल नो इज सो फेमस एंड इज हैड अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के उनको पैटर्न बुलाया जाता था एंड सबसे फेमस जगह ताजमहल आगरा भी उनके द्वारा ही बनाई गई थी। ये सारे रूलर्स हैं जो एक दूसरे के बाद सक्सीड करते गए, यानी कि एक के बाद एक आते गए। बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर आए उनके अकबर, फिर आए जहांगीर, फिर आए शाहजहां, औरंगज़ेब और फिर बहादुर शाह जफ़र। दी बहादुर शाह जफ़र वॉज दी लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिस मुगल एम्पायर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर द मिडिवल पीरियड। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट दी मॉडर्न पीरियड। ऑलराइट, टिल देन जस्ट रिवाइज टिल वट एवर वी हैव डन एंड डोंट गेट बोर्ड। इट्स एन ईजी चैप्टर इफ़ यू टेक इट एज अ स्टोरी, जस्ट रिमेंबर इट्स अ स्टोरी। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you.